पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, अपने को सॉल्व करना है इन इक्वेशन को। सॉल्व करने का मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो ये ले लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट और ये ले लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए टेंथ क्लास के अंदर आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड बताए गए हैं, एक एलिमिनेशन और एक सब्सटीट्यूशन। अगर आप ये डायरेक्ट यूज़ करेंगे दोनों में से कोई भी मेथड, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अपने को क्या करना है, जैसे मैं एक आइडिया देता हूँ जो आप गलती करते हैं। गलती क्या, अगर आपको मान लो एक्स एलिमिनेट करना है, तो आप इन दोनों को सेम करने के लिए इसका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों के लिए क्या हो, कॉमन। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको 47 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जरा सोचो 47 का आप इससे तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का इससे तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा टाइम आपका मल्टीप्लिकेशन में ही निकल जाएगा और प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होने वाली है। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, ट्रिक याद करने के लिए आप एपीटी अड्डा के साथ बने रहें। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ये फोल्डर सर्च करें, उसके अंदर आपको सारे PYQ और NCERT एग्जाम्पलर MCQs और केस स्टडीज़ आपको मिलने वाली है, वहाँ से आप 1x1 प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक NCERT ही नहीं लगाई है तो NCERT का फोल्डर सर्च करें, पहले NCERT को कंप्लीट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन की पहचान क्या है, पहले पहचान देखिए कि जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको सॉल्व करने की, इनकी पहचान क्या है क्वेश्चंस की। इसमें x और y के जो कोफिशेंट होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं। देखिए इसमें x कितना है 21, कोफिशेंट y का कितना है 47, यहाँ x का 47 है और y का कितना है 21 है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई दे तो तुरंत पकड़ लेना, और मेथड क्या लगाना है वो सुनिए। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने से बहुत ही सिंपल इक्वेशन आएगी, दैट इज इक्वेशन थर्ड। फिर सेम इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से एक सिंपल इक्वेशन आएगी, दैट इज इक्वेशन फोर। और थर्ड और फोर आप आसानी से दोनों में से कोई सही मेथड लगा सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन। देखिए कैसे इसको आप ऐड करिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 और 6 68x + 68y = देखिए ना 7 और 1 = 8, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। इसको ऐड करिए, ये कितना हो गया 2 और 7 और 2 272। यहाँ से आप 68 कॉमन ले लीजिए तो x + y = कितना हो गया 272। तो x + y = 272, 68 मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखें ये कितने जा है जरा बताइए कमेंट में फटाफट, है ना, ये आपका 4 जा है। देखिए 4 जा 8 4 जा 32, है ना, 4 8 जा 32 और 4 6 जा 24 और 3 कितना हो गया 27, राइट। ये कितना जाएगा 4 जा, ये आ गई इक्वेशन थर्ड, कितनी सिंपल इक्वेशन आ गई देखिए, है ना, 4 जाएगा। अब ये देखिए ये कितने अजीब सी इक्वेशन से, अब देखिए कितना सिंपल सा इक्वेशन है, लॉजिक क्या है, एक बार हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे 21x + 47y = 110, 47x + 21y = 162, राइट। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस में आएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, कितना बचेगा 26x, राइट। यहाँ प्लस का नंबर आएगा और कितना आएगा 6 26, और यहाँ माइनस का नंबर आएगा कितना आएगा 2 और 4 42 बचेगा, कितना बचेगा 52 बचेगा, कितना बचेगा 52, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा ये, राइट। अब ये यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस का 26 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का कितना हो गया 52, तो यहाँ से x - y = हो गया माइनस का 52 / -26, माइनस से माइनस कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने जा 2 जा,
ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। 26 टू जै कितना होता है, 52 होता है। अब देखिए ये थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन इतनी सिंपल हो गई है ना कि आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर कर एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हैं। देखिए कैसे, सॉल्विंग इक्वेशन लिख लीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये लिख सकते हैं आप, राइट। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3 आएगी। ये वैल्यू उठाकर आप फर्स्ट में रख, इसमें रख दीजिए थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, कौन है थर्ड, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x के प्लेस पर 3 रख दीजिए, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो therefore सॉल्यूशन कितना हो गया 3,1, राइट। तो अगर आपको 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना है तो APT अड्डा के साथ बने रहें, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे के क्वेश्चंस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।